दिल्ली के कालकाजी से विधायक आतिशी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वैश्विक मंच पर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पेश किया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिखाया है कि 30 मिलियन जनता वाले शहर में उच्च गुणवत्ता वाली पब्लिक सर्विस प्रदान करना संभव है। विश्व निकाय के लिए शहरी एजेंडे को लागू करने के लिए बोगोटा और बार्सिलोना के मेयरों के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लीडिंग लोकली पर बोलते हुए आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्थिरता और वित्तीय विवेक के साथ समानतावादी विकास का संतुलन बनाया है। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिखाया है कि एक सरकार अपने सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सकती है और फिर भी वित्तीय रूप से जिम्मेदार हो सकती है, और यही सार्वजनिक सेवाएं हैं जो वास्तव में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास की तरफ ले जाती हैं। आतिशी ने अपने संबोधन का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार का मॉडल समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए एक दृष्टिकोण पेश करता है। उन्होंने कहा, केजरीवाल सरकार के दिल्ली में किए गए बदलाव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखना बेहद गर्व की बात है। मेरा मानना है कि दिल्ली मॉडल समस्याओं का समाधान पेश कर सकता है जिससे कई देश जूझ रहे हैं। वहीं आतिशी के वीडियो को रीट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत के लिए गौरव का क्षण, दिल्ली और आपने भारतीयों को गौरवान्वित किया है। दुनिया अब शहरी शासन के कई क्षेत्रों में समाधान के लिए दिल्ली की ओर देख रही है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे। केजरीवाल ने UNGA को संबोधित करने पर आतिशी की काफी सराहना भी की है।